हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। आपके घर कोई आवश्यक काम है या फिर आपके घर कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप अप्लीकेशन कैसे लिखेंगे अपने स्कूल के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर लिखना है सेवा में, ठीक है, सेवा में इतना आपको जरूर लिखना है, सेवा में। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत करनी है भाई कोर्स से, ठीक है, उसके बाद कामा लगा देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या फिर अपने कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं। तो सेवा में यहाँ हो गया आपका कक्षा अध्यापक, ठीक है। मान लीजिए आप अपने कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापक महोदय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे महोदय, उसके बाद यहाँ पर कामा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जे के कॉलेज दिल्ली, ठीक है। इस तरह से आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो है एड्रेस आप नीचे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे अब आपको लिखना है पूरी एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखेंगे मान्यवर, ठीक है, यहाँ पर मान्यवर लिख के आप एक कामा लगा देंगे। उसके बाद नीचे लाइन से यहाँ पर लिखेंगे सविनय, ठीक है, सविनय सविनय निवेदन है, कि आज मेरे चाचा के कि आज मेरे चाचा के पुत्र राहुल का जन्मदिन है, इस शुभ अवसर पर मेरे चाचा जी ने प्रति भोज का इतना तो आपका हो जाएगा। प्रति भोज का, मान लीजिए आपका जो भी होगा, शादी है तो शादी लिखेंगे, यहाँ पर बर्थडे है तो उसमें प्रति भोज का आयोजन किया है, ठीक है, प्रति भोज का आयोजन आयोजन किया है, ठीक है। इस प्रति भोज के प्रबंध का इस प्रतिभोज के इस प्रति प्रबंध का प्रतिभोज के प्रबंध का अधिक भाग, ठीक है, अधिक अधिक भार जो है अधिक भार मेरे ऊपर है, ठीक है, इसलिए मैं स्कूल आने में अनुपस्थित हूँ, ठीक है, अनुपस्थित या फिर असमर्थ हूँ, ठीक है, असमर्थ हूँ स्कूल आने में, असमर्थ भी लिख सकते हैं या फिर अनुपस्थित भी लिख सकती हैं आप लोग, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अतः आपसे विनम्र, ठीक है, सब आप अच्छे से लिखेंगे जैसे पढ़ने भी अच्छा लगे, विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मुझे एक दिन का, जो भी दिन आप छुट्टी चाहें वहां पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 3 दिन लिख लीजिए, 3 दिन का अवकाश या फिर छुट्टी प्राप्त करने का यहाँ पर लिखेंगे अवकाश अवकाश प्रदान
ठीक है, ये आपका पूरा एप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अभी आपका हुआ ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, ये हो गया। अब आगे साइड में यहाँ पर आप लिखेंगे आप जो है आपका आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी यहाँ पर शिष्य लिख देना, ठीक है, शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी नाम रहेगा, आज्ञाकारी शिष्य विनीत, ठीक है, विनीत कुमार। और यहाँ पर आप जो है रोल नंबर लिख देना, रोल नंबर जो भी होगा यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कक्षा 10, मतलब जो क्लास होगा वो लिख देना। और इधर साइड में आप लिखेंगे डेट, ठीक है, जो भी डेट होगा वो लिखेंगे। तो मान लीजिए जिस डेट का आपने एप्लीकेशन लिखा है वो आप डेट डाल देंगे, दिनांक यहाँ पर 29/5/2023, ठीक, ये आपका डेट हो गया। यही एप्लीकेशन आपको सिंपली लिखना होता है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं, ठीक है। इस तरह से अगर आप एप्लीकेशन जो है लिख रहे हैं तो आपका जो छुट्टी है आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।